हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इसमें दिया हुआ है एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी ए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इन विच एडी इज इक्वल टू बीसी। एडी और बीसी आपस में, दोनों साइड आपस में बराबर है, तो इसको हम गिवन में लिख लेंगे एडी इज इक्वल टू बीसी। इफ पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ये डायगनल ए सी, क्यू इसका मिड पॉइंट है, आर डी सी का मिड पॉइंट है और एस जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये दिया हुआ है। शो डैट पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, हमें पी क्यू आर एस को एक रोम्बस प्रूफ करना है। तो अब रोम्बस प्रूफ करने का क्या तरीका होता है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए दो तीन तरीके से हम रोम्बस प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो अगर हम चारों साइड को इक्वल दिखा दें तो वो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, या फिर डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री दिखा दें तो भी वो रोम्बस हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चारों साइड को इक्वल दिखा देंगे तो वो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। कैसे देखते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, पी एंड और जो क्यू है वो ए सी का मिड पॉइंट है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। देयरफोर बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, देयरफोर पी क्यू पैरेलल भी बी सी के बराबर होगा एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, जो पी क्यू है वो बी सी के हाफ हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ हमारा इससे काम हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब उसके बाद ट्राइंगल, इसमें देखिए अभी हम लोग ए बी सी में, अब देखते हैं ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी के अंदर क्या है, जो आर है वो सी डी का मिड पॉइंट है और जो क्यू है वो ए सी का मिड पॉइंट है, आर एंड क्यू, आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड ए सी, आर इस लाइन का मिड पॉइंट, क्यू इस लाइन का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, आर क्यू पैरेलल डी ए एंड आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ डी ए, ठीक है। तो सिर्फ हम यही वाला पैरेलल नहीं लिखेंगे, सिर्फ आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ डी ए लिख लेते हैं क्योंकि इसी से हमारा काम हो जाएगा। और जो डी ए है वो बी सी के बराबर है, डी ए जो है वो बी सी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ डी ए को रिप्लेस करके हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन वन, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन टू, ठीक है। फिर इन ट्राइंगल बी डी ए में देखते हैं, ट्राइंगल बी डी ए के अंदर अगर हम देखेंगे, ट्राइंगल बी डी ए में तो जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है और जो एस है वो बी डी का मिड पॉइंट है, तो पी एंड एस, पी एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी डी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो पी एस लाइन बन रहा है बी डी के मिड पॉइंट को जोड़ के, पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी ए और जो डी ए है वो बी सी के बराबर है, तो हम लिख देंगे पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। और इन ट्राइंगल बी डी ए लिया था, हम लेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी में, ट्राइंगल बी डी सी में अगर हम देखते हैं तो जो आर है वो डी सी का मिड पॉइंट है और जो एस है वो बी डी का मिड पॉइंट है, तो लिखते हैं आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड बी डी, ठीक है। तो यहाँ भी मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये जो लाइन बन रहा है आर एस वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा, देयरफॉर आर एस पैरेलल बी सी एंड आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4।
4. तो चारों इक्वेशन से मिला के क्या कंक्लूजन निकल रहा है, पी क्यू भी हाफ बी सी के बराबर है, आर क्यू भी हाफ बी सी के बराबर है, पी एस भी हाफ बी सी और आर एस भी हाफ बी सी. तो फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 चारों इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकल गया कि पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू आर एस, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू आर एस. ये चारों साइड आपस में बराबर प्रूव हो गया, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू आर एस, ठीक है, इक्वल टू लास्ट में आर एस पहले पी एस, ठीक है. तो हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है. तो रोम्बस प्रूव करना था तो ये रोम्बस प्रूव हो गया.